सर, जैसा कि आपका भी काफी एक्सपीरियंस रहा है कुश्ती में, तो आप अपने बारे में बताएं, कहाँ कुश्ती लड़ी? मैं स्टेट लेवल तक का पहलवान रहा हूँ। प्रेजेंट में मैं कुश्ती उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश का। अपनी शिक्षा पर ध्यान दें और खेल पर ध्यान दें और बड़ी मेहनत करें। मेहनत करोगे तो बस कामयाबी मिलेगी। और आज हमारी जो भारत सरकार ने, भाजपा पार्टी ने खिलाड़ियों के लिए बहुत फैसिलिटी दे रही है। जो बच्चे मैट पे नेशनल में और मेडल ला रहे हैं उनको नौकरी दी जा रही है। मैं जैसा तो गांव का दंगल होता है, उसमें से एक तरह से पहलवान निकल के आ रहे हैं, तो किस तरीके से वो आगे तैयारी करें उसके बारे में बता दीजिए। ये अब ऐसा है कि जो भाजपा पार्टी ग्राम स्तर पर भी एकेडमी बना रही है और कड़ी से कड़ी मेहनत करें और मैट का प्रयोग करेंगे तो बच्चे जब भी निकलेंगे देहात में एकेडमी बनाई जाएंगी। आदाब, मैं हूं रिजवान मेवाती, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। आज हम मौजूद हैं खैर के अंदर, जहां पर दाऊजी महाराज का जो कुश्ती दंगल स्टार्ट हो चुका है और यहां पर जो मुख्य अतिथि है पहलवान उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कुश्ती महासंघ यहां पर मौजूद है। हम आपको बुलाने का प्रयास करेंगे। यहां पे दंगल स्टार्ट हो रहा है और कमेटी वालों से भी हम आपको मिलाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पे कुश्ती स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे काफी बड़े बड़े पहलवान। यहाँ पर जो दाऊजी दंगल का शुभारंभ रमेश पहलवान जी ने किया है, आज हमारे साथ रमेश पहलवान जी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष कुश्ती महासंघ हमारे साथ मौजूद हैं। हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर कैसे हो? सर बहुत बढ़िया। सर बताइए अपने बारे में बताइए। मैं रमेश पहलवान, कुश्ती उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। और आज ये दाऊजी मेला में खैर में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मेला कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे यहाँ सम्मान दिया। तो मैं मेला कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रमेश पहलवान उत्तर प्रदेश कुश्ती उपाध्यक्ष, मैं यहाँ आज मेला में आया हूँ और सभी पहलवानों को और यहाँ से क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सभी का सम्मान देता हूँ। ये जो कुश्ती दंगल होता है किस किस उससे देखते हैं? ये दाऊजी महाराज की याद में हमारी पुरानी परंपराएं हैं, उन्हीं के आधार पर दंगल लगते आए हैं। सर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को ये संदेश दूंगा कि अपनी शिक्षा पर ध्यान दें और खेल पर ध्यान दें और बड़ी मेहनत करें। मेहनत करोगे तो बस कामयाबी मिलेगी। और आज हमारी जो भारत सरकार ने, भाजपा पार्टी ने खिलाड़ियों के लिए बहुत फैसिलिटी दे रही है। जो बच्चे मैट पे नेशनल में और मेडल ला रहे हैं उनको नौकरी दी जा रही है। सर जैसा कि गांव का दंगल होता है, उसमें से एक तरह से पहलवान निकल के आ रहे हैं, तो किस तरीके से वो आगे तैयारी करें उसके बारे में बता दीजिए। ये अब ऐसा है कि जो भाजपा पार्टी ग्राम स्तर पर भी एकेडमी बना रही है और कड़ी से कड़ी मेहनत करें और मैट का प्रयोग करेंगे तो बच्चे जब भी निकलेंगे देहात में एकेडमी बनाई जाएंगी। सर जैसा कि आपका भी काफी एक्सपीरियंस रहा है कुश्ती में, तो आप अपने बारे में बताएं, कहाँ कुश्ती लड़ी? मैं स्टेट लेवल तक का पहलवान रहा हूँ। प्रेजेंट में मैं कुश्ती उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश का। तो ये हमारे साथ में सर रमेश पहलवान जी हमारे साथ मौजूद थे जो उत्तर प्रदेश के कुश्ती महासंघ के उपाध्यक्ष हैं। तो और हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पे जो कुश्ती होगी, काफी पहलवान इंतजार कर रहे हैं कुश्ती के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे हमें आपने समय दिया। पहलवान उमरी भैया दूसर में सोनू सोनू गोदाम दाऊजी मेला कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई राकेश जी गोदाम प्रार्थना देने से संपर्क स्थापित करें और माला पहनने का स्वागत करें। सिर्फ एक खैर में ऐसे पत्रकार है राकेश जी गोदाम जिन्होंने आपके मेले की सूचनाओं को कार्यान्वित करने का काम किया है।
बाकी के अखबार वालों ने किसी प्रकार का दोनों पहलवानों के बीच रोमांचक कुश्ती का नजारा। दोनों ही पहलवान बाकी है महान लड़ाके हैं, अपने अपने कारतूसों को लगाने में माहिर, बड़े ही सुंदर तरीके से बचाव करते हुए कमेटी का काम कुश्ती कराने का है, खुद कुश्ती लड़ने का नहीं है। इसलिए जो भी पदाधिकारी हैं कृपया घूमते रहे, शांति व्यवस्था बनाने में अपना योगदान दें। घूमते रहेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, कोई भी पहलवान लड़े होगा। बहुत सुंदर रेफरी महोदय, फाइनल कुश्ती फाइनल। इस पहलवान से कोई नहीं, प्रियांशु पहलवान उमरी विजयी, ये दूसरे में ही कुश्ती थी। चलते फिरते रहो भाई। सोनू सोनू गौतम दाऊजी मेला कमेटी के अध्यक्ष, बड़े भाई राकेश जी गौतम चाचा देने से संपर्क स्थापित करें और माला पहन का स्वागत करें। सिर्फ एक खैर में ऐसे पत्रकार है राकेश जी गौतम, जिन्होंने आपके मेले की सूचनाओं को कार्यान्वित करने का काम किया है। बाकी के अखबार वालों ने किसी प्रकार का कोई सही करने की इच्छा और आकांक्षा प्रकट नहीं की। 500 ये पहलवान एक पेशावर का है, सभी पहलवान ध्यान दें। अब जो भी कुश्ती होगी वो 80 और 20 की होगी, जो पहलवान विजयी होगा उसको अपने छाया चित्र के माध्यम से इस जंगल के कार्यक्रम को बहुत बढ़िया कुश्ती चलती हुई कामना करती है। इनका प्यार आशीर्वाद सहयोग दाऊजी मेला कमेटी के पदाधिकारियों पर बना रहे। मैंने इन दोनों बिटिया की लड़कों को भी चित करते हुए देखा है, उन दोनों की कुश्ती आज पार की भी देखी है अनुष्का पंडित, हमारे मैंने देखी है। बिटिया कहाँ रसूलपुर की बता दूं तुझे, चल दोनों की होगी। और ये कुश्ती कोई बात नहीं, लड़वा धोरी ने कहूं की हो लड़वा मैंने। हाँ माता माता हमारे बीच में दो बेटिया, इस भारत माता की बेटी की खुशबू को दोनों बिटियों से बराबर का जोड़ लड़े और लड़कों से होगी कुश्ती। लड़कों से होगी बराबर का जोड़ है कोई नहीं, अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाने के लिए तैयार है। जय बबीता भोग हो। और इस बिटियों से भी ये तीन बिटिया है बराबर का जोड़ है, कोई भी हाथ खड़ा है।